हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। तो आज की इस गेम प्ले पूरी की पूरी नेक्स्ट लेवल होने वाली। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम एक न्यू शोरूम परचेस किए हैं जिसमें हमारे पास अभी एक भी कार अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमें बहुत सारी कार्स ख़रीदनी है और बहुत सारे कंपनियों के साथ डील भी करना है हमें, ठीक है। तो चलो फटाफट से अपनी गेम प्ले वीडियो शुरू करते हैं। तो गेम प्ले वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आएगी तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। चलो मैं फटाफट से यहाँ पे मैं कार लगाता हूँ सेल के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे इस ब्रांड में, मतलब कि आपको पता ही कि आपका भाई एक न्यू शोरूम परचेस किया है जिसमें हमारे पास एक भी कार नहीं है। मैं आपको दो बार फिर से बता दिया कि हमारे पास एक भी कार नहीं है और मेरे पास कुछ पैसे हैं जिस पैसे से मैं कार का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मुनाफा होता है कि नहीं, कितना मुनाफा होता है आप लोग देखते रहना, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को सिर्फ गलती से भी मत करना, नहीं तो आप कोई सा ही पार्ट भूल सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये वाली मस्टैंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रही है। ओ भाई साहब, पूरी की पूरी नेक्स्ट लेवल लग रही है मस्टैंग। क्या ही मतलब, समझ रहे ना, पूरी की पूरी नेक्स्ट लेवल लग रही है मस्टैंग जीटी। तो अब यहाँ पे हम कौन सा कार लगाते हैं जो सस्ते में होगा, ज़्यादा महंगा नहीं। लेकिन वन सेकेंड वेट करो, यहाँ पे हम लैम्बोर्गिनी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी हम पैसा कमाएंगे उतना जल्दी हमारा शोरूम बड़ा होगा, पता है। मतलब इस शोरूम में ना मैं भाड़े पे लिया हूँ शोरूम। आपको पता ही होगा कि कोई भी, मतलब कोई सा भी बंदा अपना शोरूम नहीं परचेस कर सकता है, ठीक है। तो मैं भाड़े पे लिया हूँ जिसका मुझे शायद $500 ऐसे कुछ होगा मेरा इसका किराया इस शोरूम का, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग शोरूम देखो कितनी नेक्स्ट लेवल है। तो वो किराया वराया का बात छोड़ो, पहले आप लोग देखो एक वन सेकेंड ये लैपटॉप किस में है। ये देखो ₹500 है ना किराया, बिल पे मैं कर दिया। ये लैपटॉप में, ये कंप्यूटर में क्या हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। शायद ये PC ही हो सकता है इसके अंदर, पता क्या क्या। जैसे कि हम इस गार्ड को ना पहले मैं लगा रखा हूँ पहले से ही। तो चलो फटाफट से हम अपना शोरूम स्टार्ट करते हैं। तो चलो हमारा शोरूम भी खुल चुका है अब, ठीक है। अब देखते हैं, वेट करते हैं अपने कस्टमर कितने आते हैं। वैसे तो हमारे पास तीन ही कार है, मतलब तीन कार तो है। जैसे कि हमारा आगे चलकर कोई सा भी कार अगर सेल हो जाए तो हम फिर से कोई सुपर कार इसमें लगा सकते हैं। तो शायद ये कस्टमर आ रहा है, देखते कहाँ जाता है। रुक जाओ, आप लोग ये शोरूम देखो कितनी। ओ भाई, दो दो कस्टमर, देखते कहाँ जाता है, बस हमारे पास आ जाए। ओ भाई भाई, एक साथ तीन कस्टमर। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं, इन लोगों को हैंडल भी करना है। दिखाता हूँ उन लोगों को कारों को पहले। ये देखो जी, ओ भाई साहब, ये लोग खुद चूज़ कर रहे हैं, मतलब ये बोल रही मैं उधर जाऊँगा, वो बोल रही मैं उधर जाऊँगी, ये सब। चलो भाई, हमारी मस्टैंग जीटी भी सेल हो चुकी है। ये क्या हो गया, ये मुझे ऐसे दिखाकर चली गई। चलो कोई बात नहीं, इसे पसंद नहीं आया, इसे रेट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो इसे रेट अच्छा या लगे या ना लगे, क्योंकि हमें भी प्रॉफिट कमाना, जितने भी हम खरीदते हैं उससे ज़्यादा तो हमें, समझ रहे, मतलब जितने भी हम खरीदेंगे उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा मैं सो लेता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी अपना शोरूम स्टार्ट ही है, ठीक है वो। लेकिन वन सेकेंड, पहले हम अपने शोरूम को बंद करके आते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम ये अपने घर में सो सकते हैं। हमारा छोटा सा घर है सोने के लिए। वैसे तो इस गार्ड को हम लोग कभी जाने, लेकिन एक सेकंड, ये गार्ड कहाँ जा कहाँ रहा है। अच्छा, मतलब ये शोरूम में हमारे पता नहीं क्या देख रहा है। ये देखो गार्ड कैसे मारेगा, ये लो रो रहा है बंदा, पता नहीं क्या कर रहा है ये। चलो शोरूम हम अपन बंद कर देते हैं। तो चलो फाइनली हमारे शोरूम भी बंद हो चुका है, फिर हम मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। और गार्ड तो हमारा, चलो गाइस, अब मेरी, मतलब समझ रहे ना मेरा, अब मैं थोड़ा सा सो रहा था तो मैं अब जाग चुका हूँ। ये देखो हमारी, जहाँ भी मैं सोता हूँ वहाँ पे, वहाँ का इलाका है, ठीक है। तो आप लोग ये शोरूम देखो कितनी नेक्स्ट लेवल लग रही है। तो ये अभी भी गार्ड यहीं पे, अभी गार्ड गया नहीं। ये देखो हमारे शोरूम का नेम, ओ भाई साहब। तो चलो फटाफट से हम अपनी कार यहाँ पर लगाते, क्योंकि हमें सेल भी तो करना है ना कार। यहाँ पर कौन सी कार लगाऊँ, नहीं मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे से ही तो आता है महंगा महंगा कार, क्योंकि मेरे पास अभी, मतलब ये लग्जरीस कार, वो भाई इसमें बहुत ही महंगी महंगी कार है, लेकिन इससे भी महंगी ये सुपर कार है ये, ठीक है। आप लोग देख रहे ना, वैसे तो आप लोग वीडियो देख ही रहे हो, नहीं अभी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 में इससे ज़्यादा कमा सकूँ, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा, चलो मैं 5 तो कमाऊँगा ना, मतलब जैसे कि 10,000 का कार है, ठीक है, मैं उसे 15 लगा सकता हूँ, मतलब 5 हमारा मुनाफा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो चलो, आप लोग इससे बिजनेस भी एक तरीके से सीख सकते हो कि कैसे किया जाता है हमारा एक कार कलेक्शन का बिजनेस, कैसे हम कार एक सेल कर एक छोटे से बिजनेस को हम कितना ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये 22,000 रुपये की है। इसे कितना दूँ कितना दूँ, 24 देकर देखता हूँ। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 24 लाख दे दिया मैं। चलो 24 ले लिए। अब इसे थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर नहीं मतलब थोड़ा सा ये लो, ये फिर से आ गए मस्टैंग सिटी। अब अपन शोरूम स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा, अच्छा अच्छा समझ गया, इसे बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बिल पे कर दिया। यही प्रॉब्लम आती है इस गेम में, ठीक है। तो इस गेम का मैं आपको नाम, अगर आप लोग इस गेम का नाम जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो इस गेम का नाम मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं देखता हूँ कस्टमर वगैरह आ रही है कि नहीं, अभी एक भी कस्टमर नहीं आया हमारे शोरूम में, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना ये शोरूम आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलो गाइस, शायद एक कस्टमर आ रहा है। और हाँ, ये हमारी यहाँ पे जैसे कि कोई सा भी कार हमारे पास आता है, मतलब टूटा फूटा कोई सा भी कार, तो हम यहाँ से उसे नए बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाकर ले भेज देते, ठीक है। तो चलो गाइस, वो हमारा मैकेनिक एरिया था। तो यहाँ पे भाई 103 कस्टमर आए, इन्हें भी हैंडल करता रुको। सर ले लो, ओ भाई साहब सर ले लो, बहुत ही अच्छी कार है, सोच क्या रहे, ओ भाई साहब। चलो गाइस, हमारी फिर से ये 3 कार सेल हो गई। वैसे तो ऊपर वाले के सारा से बहुत ही अच्छी हमारी बिजनेस चल रही है, मतलब जितने भी हम अभी कार्स ला रहे हैं वो सब हमारी सेल हो रही है, ठीक है। तो अभी बस ऐसे ही चलता रहे हमारा बिजनेस, एक दिन हम बहुत ही ऊपर चले जाएंगे, आपको पता है। और हाँ, पार्ट 2 भी आएगा इसका, ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। इसीलिए टेंशन मत लेना, वीडियो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप गलती से मत करना, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक और कार्स लगा देता हूँ, मतलब हमारे पास। और पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब इस ये शोरूम में ना, मतलब हम ऊपर भी कार रख सकते हैं और नीचे भी कार रख सकते हैं, और एक बगल में आज आप लोगों के पास में एक साइड में दिख रहा होगा, वहाँ पर भी हम कार रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें कार रखने के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं है, क्योंकि हम नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे ही नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर कोई सा कार चूज़ करता हूँ जो मुझे थोड़ी सी सस्ती लगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं, नहीं नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये कम करना है, कम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलो फाइनली 50 में भी नहीं मान रहा है, तो फिर क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, 45, अबे इसमें भी नहीं मान रहा है। चलो फाइनली मैं थोड़ा सा एक जीरो ज़्यादा लगा दिया था, इसीलिए नहीं ले रहा था, ठीक है। तो चलो फिर से देखते कस्टमर आ रहा है कि नहीं, अभी तो नहीं आया कस्टमर हमारे शोरूम में, एक आई। अरे क्या बोलूँ मैं इसको, अरे आंटी तो बोल नहीं सकता, पता नहीं क्या बोलूँ मैं। ये लो जी, ओ भाई साहब, ये भी हमारी कार सेल हो चुकी है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे मैं दूसरा कार लगा देता हूँ, क्योंकि हमारी बिजनेस बहुत ही अच्छी चल रही है इस टाइम, बहुत ही नेक्स्ट लेवल बिजनेस है। ये फिर से आ गई क्या, चलो ये कार भी हमारा सेल हो गया फाइनली। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं पहले कार लगा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो जी, फाइनली ये कार भी बिक चुकी है। लेकिन ये इमोजी मुझे क्यों दिखाया ऐसा, पता नहीं, मतलब कुछ हट करके गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे इसका चक्कर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बता देना ऐसा इमोजी क्यों देख के भी मुझे दिखा कर गया है, ठीक है। ये इसे थोड़ा सा कलर, मतलब इसे लाइटिंग कलर दिखाते हैं, रुक जाओ तभी तो कस्टमर आएगा। लेकिन नहीं, ये नहीं हो रहा है। चलो हम यहाँ पर भी अपना कार लगा देते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी बहुत ही ऊँचा जाने वाला, बहुत ही ऊँचा, इसीलिए वीडियो में तक बने रहना। और हाँ, पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम सिर्फ लग्जरीज कार आपको दिखाने वाले, सिर्फ लग्जरीज, ऊपर और नीचे सिर्फ लग्जरीज से बड़ी होगी हमारी शोरूम, ठीक है। और हाँ, हम बहुत ही एक दिन बहुत ही ऊंचा चले जाएंगे इस शोरूम से, बहुत ही, मतलब समझ रहे हो ना, एक बिजनेसमैन बन जाएंगे एक तरफ से, समझ रहे हो ना। चलो तो चलो गाइस, अब मैं यहाँ पे कोई सा कार चूज़ करता हूँ, कौन सा कार चूज़ करूँ, चलो ये वाली कार चूज़ करते हैं। ये कार भी वैसे अच्छी है, मैं एक जीरो ज़्यादा, नहीं 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 नहीं, 4 में नहीं ले रहा, चलो कोई बात नहीं, हो गई हमारी ये। अब इसे थोड़ा सा कलर, ये कार कलर क्यों नहीं हो रही है यार, हर एक कार हो जाती है। लेकिन एक सेकेंड, एक कस्टमर आया है। चलो जी, हमारी ये इस टाइम हमारी ये शोरूम का हाल बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है, आप लोगों को भी देख रहा होगा कि हमारे ये शोरूम का भी बहुत ही प्रॉफिट हमारे शोरूम अभी कमा रही है, ठीक है। तो शायद एक कस्टमर और आ रहा है, इसे पसंद नहीं आया, कैसी कैसी इमोजी दिखाती है मुझे, कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसी कर रही है। लेकिन नहीं, सेम ही तो है यार, उधर क्यों जा रही है, ये भी सेम है, वो भी सेम है, पता नहीं क्या क्या बंदे होते यार, कुछ समझ में नहीं आता। चलो इधर का पसंद आ गया, इधर से ही ले ले, कोई बात नहीं, हमें तो भाई पैसे से मतलब है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पर मैं कोई और सा कार लगा देता हूँ अभी, चलो मैं इससे 44 करके देखता हूँ,
ठीक है, तो 44 करके देखते हैं, नहीं 46 में देखते हैं, 46 में अगर ले लिया चलो, मैं सोच रहा था 44 में हो सकता है, लेकिन मैं सोचा कि एक बार 46 करके देखते हैं शायद ले ले। ओ भाई साहब ये कार देखो गाइस कितनी नेक्स्ट लेवल लग रही है। तो चलो यहाँ पर मैं अभी जो कार रखा था वो कार भी सेल हो चुकी है, तो चलो अब मैं यहाँ पर एक और कार रख देता हूँ, उसका ना सॉरी ये इसका रेट मैं कितना रखूँ, इसका दाम इतना नहीं, 10 और कम करना पड़ेगा, नहीं देखते ले पा। चलो फाइनली ये भी हमारा हो चुका है, इसे थोड़ा सा कलर, नहीं ये भी नहीं, पता नहीं ये कलर की कार होती क्यों नहीं है। एक कस्टमर और आया उस कार देख रहा है, मुझे तो लग रहा है इसे पसंद आ जाएगा क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रही है, क्योंकि मैं ओ भाई साहब देखते ही पसंद कर लिया, मतलब सोची भी नहीं देखते ही पसंद हो गया, क्योंकि आपका भाई ऐसा ऐसा कार इन लोगों के लिए हमारे कस्टमर के लिए लाता रहता है। ठीक है तो चलो एक कस्टमर और आ रहा है हमारे, मतलब कि हमारा शोरूम मतलब खाली हो ही नहीं रहा है, मतलब जैसे एक कार जा रही तो दूसरा कस्टमर आ रहा है, मतलब दो कार जा रही है तो एक दूसरा कस्टमर आ रहा है, ऐसी हो रहा है हमारे शोरूम में। ठीक है तो चलो ऐसे हमारी वीडियो तक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।